श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों एक बड़ा बयान दिता गया, जिहड़े बयान ने पंजाबियों को हिला के रख दिता। उन्होंने एक होर वड्डी गल की भी पंजाब दे विच जिहड़े दूसरे राज्यों के लोग रहने वाले हैं, यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, आके वो साड़ियाँ जमीनां खरीद रहे हैं, ये रोक लानी चाहिए है। तुसीं जिनी मर्जी MOU साइन करी जाओ, MOU साइन करना कोई वड्डी गल नहीं है भी रिकॉर्ड च तुहाडे इत्थे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। हुण ये देखो ना, ये सारियां चीज़ों के उत्ते गौर किहने करना है, या सरकारां ने करना या अफसरां ने करना है, पर इन्हों माल कमान तो फुरसत नहीं गई। अश्विनी शर्मा जी ने सुन रहा पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है भी यार तुसीं भी तो इसे पंजाब का हिस्सा हो, तुसीं भी इत्थे MLA बने भी, तुहानूं की नहीं दिता पंजाब ने, तो तुसीं दसो ना सरकारां नूं भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी सिर्फ मैनूं कुर्सी मिल जाए। जदों ਇਹ सत्ता च नहीं होंदे ना ते उदों विपक्ष च बैठदे ने ते इन्हां कोल पंजाब दे सारे मुद्दों का हल हुंदा है। जदों ये सत्ता च आ जांदे आ कोई पार्टी होवे उदों इन्हां कोल मुद्दों का हल नहीं हुंदा, फिर उलझना ही उलझना हुंदियां। फिर इन्हां दा इह कहना भी जिन्ने उत्थों प्रिंसीपल सिक्के आउणगे ते फिर जेड़े नहीं जा सके, पहली गल ते जेड़े नहीं जा सके उन्हां ने कहना ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਇਹੋ ਪੜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਕਾਲਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक कर दी तो इन्हों फिर फ्री बत्ती देने की लोड़ नहीं पैनी लोगों को, पंजाबियां इन्हों अगली बार उदा ही वोट पा देने हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हरविंदर। साडे विशेष प्रोग्राम खरिया खरिया में तुहाडा स्वागत है। साडे नाल ने सीनियर पत्रकार दीपक भंडारी जी। भंडारी साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। भंडारी साहब, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों एक बड़ा बयान दिता गया जिहड़े बयान ने पंजाबियों को हिला के रख दिता। हाँ, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों क्या गया, देखो कल गए थे फतेहगढ़ साहब तो छोटे साहबजादियां दी बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी दी याद च समागम मनाया गया सीगा जी। उत्थे उन्होंने अपील की, उन्होंने कहा भी देखो भी बच्चों नूं लेबर लई विदेश ना भेजो, जेड़े पंजाबी विदेश जा रहे हैं तो पंजाब खाली हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा भी जे पंजाब खाली हो गया, पंजाब का नौजवान बाहर चला गया तो साढ़े जोड़े जोड़ मेले है वो कि यूपी बिहार के लोग आके इतने मनाया करेंगे। उन्होंने एक होर वड्डी गल की भी पंजाब के दूसरे राज्यों के लोग रहने वाले हैं, यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, आके वो साड़ियाँ जमीनां खरीद रहे हैं, ये रोक लानी चाहिए है। उन्होंने होर बहुत सारिया गल्लां भी कीतियां, पर इन्हां दियां देखो पर सवाल फिर सरकारां कोल ही है भी जे लोकां नूं पुछिया जाए भी तुसी विदेश जा क्यों रहे हो, ये देखो चिंता करने की गल ये है। ये कहना भी विदेश जा रहे ने ये चिंता की गल है, वो नहीं, उस तो ज़्यादा ये चिंता ये मंथन करने की लोड़ है भी साडा नौजवान विदेश जा क्यों रहा है। जिहड़े माँ प्यो नूं पुछो, साडी कईयां नाल गल हुंदी है, साडे मेरे परिवार चों भी बच्चे बाहर हैं तो ये कहिए कि तुसी बच्चों नूं क्यों भेज रहे हो, वो कहणगे उन्हां दे इक्को ही गल हुंदी इत्थे की रखिया है। इत्थे वो रखिया का मतलब होंगे उन्होंने कहना भी इत्थे कहते भी लीडर ने बेड़ा गर्क करके रखता पंजाब का, ना नौकरियां, बेरोजगारी है, नशे इत्थे है, नशे का व्यापार इत्थे होंदा है, घर का देखो ना रोज़ लुट्टां खोहां दी वारदातां होंदियां हैं, गैंगस्टरवाद होंदी है इत्थे। मतलब अज दी डेट दे विच बहुत सारे फैसले लैण दी लोड़ है। तुसीं देखो मैं पढ़ रहा सीगा, शायद तुहानूं भी पता ही होवे, बहुत सारे लोगों को पता होना है कि छोटे छोटी कंट्रीज़ ने जिन्हां तो सिख लैण दी लोड़ है। छोटे कंट्री ने सिंगापुर है, दुबई है, स्विट्जरलैंड है, मतलब क्या जाना भी इत्थे जिहड़ा क्राइम रेट है आलमोस्ट जीरो है भी लोगों को डर पाया गया। पहले भी क्राइम करोगे या तैनूं शरेआम कोड़े मारे जाएंगे, हर क्राइम की वक्री सजा दी गई। जिवें पिछले दिनी योगी आदित्यनाथ जिहड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आख्या सीगा भी गैंगस्टर कोई भी जे साड़ी बेटी नूं छेड़ेगा तो अगले चौराहे ते उहदा एनकाउंटर करता जाएगा। पर इत्थे बहुत सारे केस ऐसे ने जिहड़े लंबे समय तक अदालतां चलदे हैं। देखो लोग अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भी उस दिन मैं उन्होंने सुन रहा सी, उन्होंने गलबात की थी, कहते भी 1-2% ही लोग जोड़े गंदे होंगे, बाकी लोग तो अमन पसंद लोग हैं। इस करके मंथन ये करना जरूरी है कि बाहर बच्चे क्यों जा रहे तो उन्होंने रोकने वास्ते किहड़े कदम चुकने चाहिए। ये सारियां देखो सरकारां ने कुछ नहीं करना, सरकारां नूं सिर्फ गल है उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करनी है। आटा दे दाल मुफ्त दे देन, हुण देखो सेंटर गवर्नमेंट 81 करोड़ बंदियां नूं मुफ्त जिहड़ा अनाज दे रही है क्योंकि वोट बैंक, उन्होंने वोट लैना है, राज करना है। धार्मिक संस्थावां नूं अगे आना चाहीदा है, धार्मिक जिहड़े गुरु है उन्हां नूं अगे आना चाहीदा है भी सरकार लोकां नूं एजुकेट करन, सरकारां नूं मजबूर कर देन कि वो लोकां दे लई रहण दे लायक सुखावा माहौल बनान। मतलब इत्थे ते देखो ना अदालतां दे विच करोड़ां केस पेंडिंग है। हुण छेती अज किसी दे नाल कोई वारदात होंदी है, घटना होंदी है, उहनूं इंस्टेंट रिलीफ चाहीदा है, रिलीफ मिलता कई सालों के बाद। हम देखो जो नवजोत सिंह सिद्धू का केस ही लै लीए, 34 साल बाद उस परिवार को इंसाफ मिला जो 1 साल वास्ते उन्होंने सजा हुई है। मतलब इस तरह के बहुत सारिया जड़िया एग्जाम्पल्स ने, उदाहरण ने, जो मैं सारिया दसन लगांगा तो शायद सवेर पै जाएगी, पर नैटशल यह है भी कि पंजाब दे विच हुण देखो सरकारी स्कूलों की पढ़ाई जी की हाल है। आप सरकारी स्कूलों के पढ़े बच्चे जोड़े ही उन्होंने अपना फिकरा पढ़ना तक नहीं सी आता। पहले जी इसी गल करिए, बहुत सारे लीडर ने ये इल्जाम लाए, बहुत सारे लीडर ने इल्जाम लाए एक दूजे के उपर भी ये संरक्षण देंगे है माफिया। हूँ मैं उन्होंने नहीं जाना, मतलब जिन्ना चेर डर पैदा नहीं होएगा। जानता यह है कि नैटशल यह है ते कोई भी अपराधी क्राइम करने तो पहले 100 वारी सोचेगा, ना सोचे भी मेरे जे मैं करांगा तो मेरी सारी दी सारी उम्र जेल च लंघ जूगी तो मेरे परिवार के उत्ते भी उहदा समाजिक बाईकाट हो जूगा। इत्थे तो जेलों के अंदर बैठे अपराधी वो सारा नैटवर्क अंदरों चलाते हैं। मतलब बहुत सारिया गल्लां, तांदनी तां ही बिगड़िया होया है, इस करके इहदे ते सोचना होएगा। लोग हुण जिहड़े ना गल्लां दा कड़ा जिहड़े लीडर बनाउंदे ना, लोग नहीं चाहुंदे भी गल्लां ही करो, जुमले सुनाओ तो वोट हासिल करो, लोग तो नतीजा चाहते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा सीगा भी हर रोज जो इंडिया चो गल करिए 600 लोग बाहर जा रहे हैं। असीं प्रोग्राम किया दस्या सीगा भी उन्नी साडी जिहड़ी हायर एजुकेशन का बजट नहीं है, जिन्ना जिस तो ज़्यादा बजट हर साल इत्थों विदेशों जिहड़े बच्चे पढ़न जाते हैं उत्ते खर्च करते हैं। मकसद यही होंदा है, मापे भी चाहते यार जिथे जाएगा तू सेफ रहेगा, क्योंकि इत्थे सुनवाई नहीं है। एक बदमाश फड़िया जाता 10 लीडर उन्होंने फोन करते हैं। कौन नहीं जाता दड़े सट्टे के कारोबारियों को कितना संरक्षण है, कौन नहीं जाता अपराधियों को कितना संरक्षण मिलता है, किस तरह। इस करके ये राजनीति जिहड़ी वोट बैंक की राजनीति है ना, इन्हें पंजाब का बेड़ा गर्क करके रखता है। एक होर मैं गल जरूर कहांगा भी पंजाब जो बच्चा पढ़ता है, असीं ये भी देखा कि उदों किते IAS की कोचिंग लैनी है या उन्हें किते होर IRS या IPS की कोचिंग लैनी हो, या दिल्ली में जाता है तो जो उन्हें चंगे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेना तो जाता है उत्ते कोटा च जाता पढ़ाई करन। भी साडे पंजाब दे विच इस तरह इंस्टीट्यूट क्यों नहीं डिवेलप होंदे। मतलब पहले तो हौली हौली सरकारी एक मैनूं तो ये लगदा एक साजिश के तहत जिहड़ी है, पहले एजुकेशन तो लोगों वांझा किया गया तो प्राइवेट देखो जिहड़े अदारे जिहड़े फ्लरिश कर गए। मैडिकल कॉलेज 40 साल बाद कोई बनया ही नहीं सरकारी, पंजाब बहुत सारे जिहड़े मैडिकल कॉलेज प्राइवेट बन गए। इस तरह ही होर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने सरकारी स्कूलों की गति की कि नहीं। मतलब बहुत सारिया जिहड़ियां गल्लां मेरे पिंड पिंड नशा विकदा। मैं आज ही एक नवनीत राणा ने सांसद है उन्होंने स्पीच सुन रहा सी, पंजाब की भी उन्होंने गल की है भी पंजाब च घर घर नशा, जो कोई किसी का बाप नशा लेंदा, किसी का बच्चा नशा लेंदा, हुण तां जनानियां भी नशे लैन लग गईयां। मतलब ये सारिया गल्लां मना के लोग ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक बार मिलनी है। हुण लोकां नूं समझ लग गई है कि भी जिहड़ी इस लीडर जिहड़े हैं सानू ये बहलांदे ने, फुसलांदे ने, आप इन्हां दा राज करना। तुसीं बहुत सारे लीडर देखे हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्हां दे बच्चे बाहर विदेशां सैटल ने। क्यों बाहर सैटल ने, वो अपने बच्चों को क्यों सरकारी स्कूलों च नहीं पढ़ाते। इत्थे एक अधिकारी है DC अमृतसर जिहड़ा इत्थे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, क्यों लीडर ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों च नहीं पढ़ाते। मतलब इन्हों सारिया गल्लां, बहुत सारिया गल्लां, ये बहुत बड़ा आत्म जिहड़ा चिंतन का विषय है। ज्ञानी जी ने गल तो ठीक ही की है, हुण सारे बुद्धिजीवियों को मंच ते आना पेगा क्योंकि सरकारां कोलों उम्मीद ला देनी चाहिए है। इन्होंने तो वो काम करना है जिन्हां च इन्हां नूं वोट हासिल होवे। सब जीरा फैक्टरी का मसला अजे तक निबड़िया ही नहीं, तो फैक्टरी के जिहड़े CEO एक बार सामने आ गए ने। फिर हाँ देखो ना CEO ने उन्होंने पवन बांसल, उन्होंने कल ना मालब्रोस डिस्टिलरी है शराब बनाती फैक्ट्री, उन्होंने देखो तुम्हें पता ही है भी किसान लंबे समय तो उत्थे धरना ला के बैठे ने। कल एक उत्थे नौजवान की मौत भी हो जाती है, देखो मंदभागी गल है। हुण एक कहा जाता भी उहदे पहले उहनूं काला पीलिया होंदा, फिर उहदे दोनों गुरदे खराब हो जाते हैं, तो ये किसान उत्थे उहदी बॉडी में भी लै जाते हैं फैक्ट्री के बाहर रखते, कहते भी ये जिहड़ा 35 साल की उहदी उम्र, राजवीर सिंह दा नाम सीगा मरण वाले का, वो कहा जाता भी ये मरिया इस करके क्योंकि पानी गंदा आता है। हुण बहुत कल सामने आए ने पवन बांसल जिहड़े ने ना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने उन्हों का कहना भी असी जितों किसान कहते हैं जिहड़े भी धरने पर बैठे ने प्रदर्शनकारी जितों कहन असी पानी पीन नूं तैयार हाँ। उन्होंने ये भी गल की है भी जिहड़ा साडा इत्थे एथनॉल तैयार होंदा ना फैक्टरी च रोज़ वो तैयार होंदा है भी 2,80,000 लीटर इस शराब बनती है 50,000 लीटर ते सरकार नूं हर रोज़ का कहंदे भी 100 करोड़ का रेवन्यू जाता है। फैक्टरी च 23 लाख लीटर पानी का ट्रीटमेंट का जो प्लांट वो कहंदे असीं लाया तो रोज़ जो फैक्टरी चो पानी निकलता है वो 19 लाख लीटर निकलता भी साडा पानी जो बहुत प्लांट बहुत वड्डा है भी ये कहते भी इस करके उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लांट लाया तो उन्होंने लोड़ ही की है भी असी पानी जो इत्थे उहदे च पावांगे जमीन च पावांगे। उन्हों का यह भी कहना है भी ये जिहड़ी है फैक्टरी इहदी वर्थ जिहड़ी है 2 लाख करोड़ रुपए की है तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले सी 1200 लोगों को रोज़गार मिले सी। हुण केवल कहते भी टैक्नीकल स्टाफ ही अंदर जाता है 100-150 बंदा बाकी सारे बेरोज़गार हो गए। उन्होंने जिहड़ी वड्डी गल कीती भी कहते भी असी भी जिवें कहते भी इत्थे साडे नाल रहण असी पानी पीण नूं तैयार हां। जिहड़े फैक्टरी के मालक ने दीप मलोत्रा जिहड़े साबका MLA ने अकाली दल दे वड्डे कारोबारी ने पर उन्होंने जिहड़ी ये भी गल कही भी यार ये देखो भी असी सारी गल्लां करन नूं तैयार हां तुहाडे नाल पर यह ना होवे भी तुसीं ये सारियां चीज़ां करन दे बाद भी मुकर जाओ। मतलब कुल मिला के हैगा कि सरकार नूं ਇਹਦੇ ਤੇ बहुत पहले एक्शन लेना चाहिए सी। लगता उत्थे दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस गंभीरता नूं समझिया नहीं। देखो हौली हौली 100 करीब 55-60 दिन हो गए ने उत्थे बैठिया नाल 5 महीने तो ज़्यादा समा हो गया। उन्होंने कहना भी हर रोज़ असी 1.5 करोड़ का टैक्स देने तो जो महीने का 45 करोड़ रुपया टैक्स बनता है तो इस करके ये देखो जे फैक्ट्रियां नहीं इत्थे लगणगियां जे इस तरह के धरने प्रदर्शन होणगे एक पासे तो देखो सर मैं नहीं कह रहा भी उत्थों दे जिहड़े लोग ने वो गलत कह रहे हैं ये सारी जांच होनी चाहिए। असीं पहले भी कहा सीगा भी जे उत्थे फसलां खराब हो रही हैं मिट्टी खराब हो रही क्यों खराब हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए पर जांच करने वाले अधिकारी ने अधिकारी ही मेरा ख्याल अपना वो जिहड़े उन्हां दा विश्वास जिहड़ा खो चुके हैं। हुण बीमारियां उत्थे बहुत सारियां डॉक्टरां नूं पुछना चाहिए भी बीमारी दी कारण की है भी की वाकई गंदा पानी जहरीला पानी कारण है पर जो उ फैक्टरी मालिकां दा कहना है कि जहरीला पानी है ही नहीं तो फिर रौला क्यों मच रहा है। मतलब सारा जो मामला ना पचीदा हो जा रहा है। हुण 4 कमेटियां बणियां हुण समय उम्मीद है कि इसदा हल निकलूगा क्योंकि जे नहीं हल निकलदा तो एक पासे साडे मान साहब जांदे पे चेन्नई ते हैदराबाद भी इत्थे आओ इंडस्ट्री लाओ पंजाब च सुखावा माहौल है। दूजे पासे जे इस तरह का माहौल है भी इत्थे धरने ने इत्थे प्रदर्शन ने इत्थे गैंगस्टर है इत्थे लुट्टां खोआं है इत्थे फरोतियां मंगियां जांदियां तो फिर इत्थे कौन आऊगा। तुसीं जिन्नी मर्जी MOU साइन करी जाओ MOU साइन करना कोई वड्डी गल नहीं हैगा भी रिकॉर्ड च तुहाडे इत्थे कितनी इन्वेस्टमेंट होई। हुण ये देखो ना ये सारियां चीज़ां दे उत्ते गौर किहने करना है ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਜਾਂ ਫੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਰਾਜਨੀਤਿਕ पार्टियां देखो श्रोमणी अकाली दल है कांग्रेस है आम आदमी पार्टी है बीजेपी है होर भी जो कोई लीडर ने जो इंडिपेंडेंट भी खड़े होंगे हैं कट्ठे मिलके पंजाब दे वास्ते सोचो भी पंजाब मैं आज अश्विनी शर्मा जी ने सुन रहा सी पंजाब दी लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है भी यार तुसी भी तो इसे पंजाब दा हिस्सा हो तुसी भी इत्थे MLA बने भी तुहानू की नहीं दिता पंजाब ने तो तुसी दसो ना सरकारां नूं भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी सिर्फ मैनू कुर्सी मिल जे मैनू झंडी वाली कार मिल जे मेरे अगे पिछे गनमैन होण मेरे न्याणे विदेशों च पढ़न ये सारिया गल्लां तो हुण बाहर आना पेगा। हुण जीरा फैक्टरी का मसला उलझ गया 28 फरवरी नूं इहदी डेट भी है इस करके हुण इहदा हल निकलना चाहिए। सरकार नूं भी कोई प्रयास भावें किसान नेतावां नूं नाल लैके जां उत्थे जिहड़े प्रदर्शनकारी हैं उन्हां नूं नाल लैके इह सारियां जिहड़ियां चीज़ां इहदा हल छेती तो छेती निकलना चाहिए क्योंकि लोग वाकई परेशान ने तां ही इन्नी ठंड जिथे बैठे हैं। पंजाब सरकार च सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी उन्हां दा कहना है कि असी पंजाब च जिहड़े स्कूलों च अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्हां नूं उचेची सिक्ख्या लई ट्रेनिंग लई विदेश च भेजिया जाएगा। नहीं शिक्षा लिए नहीं ट्रेनिंग भेजा विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहना भी उत्थे दा वो देखेंगे भी स्टाइल किवें कम स्टाइल के तो याद ना एक दिन पहले ही विपक्ष आरोप लगांदा सुखबीर सिंह बादल लगांदे हैं भी सरकार पीटीएम करा रही है, मतलब पेरेंट टीचर मीट करा रही है, तो विज्ञापना ते इन्ने पैसे खर्च करते हैं 10 लाख उसे पेरेंट्स आ गए, पर कहते भी सच तो यह है भी ना तो तक उन्होंने वर्दियां मिलियां बच्चों को ते ना किताबां मिलियां। हुण हरजोत बैंस ने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने आया बयान आया भी असीं 30 प्रिंसीपल एक बार ते 30 प्रिंसीपल एक बार सिंगापुर के स्कूलों च भेजांगे, उत्थे जाके देखांगे भी पढ़ाई किवें हुंदी है, किस तरह की पढ़ाई आ रही है, सारा सिस्टम किदां सुधारिया जा सकता है। नाल उन्होंने कहा भी उस तो बाद असीं कुछ जिहड़े प्रिंसीपल है उन्होंने कनेडा भी भेजा जाएगा। पर सब तो वड्डा सवाल है भी की सब कुछ इन्ना सौखा है भी देखो उत्थे तुसीं बाहर भेज दो। पहले भी बहुत सारिया कमेटियां बनिया, मैं आप विधानसभा कमेटी की गल की, स्कॉटलैंड की जाती है कमेटी, निर्मल सिंह कल स्पीकर और नरमीत संधु 14 साल रिपोर्ट पर गौर नहीं की गई भी किस तरह डिस्टिलरियां लगन तो पोल्यूशन ना फैले, मतलब फैक्ट्री कोई भी लगे, मैं शराब की फैक्ट्री की गल ही नहीं कली करता भी वह प्रदूषण ना फैले, लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि जी जो इंडस्ट्री नहीं है तो फिर उस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। हूँ यह कि फिर इन्होंने कहना भी जिन्हें उतों प्रिंसीपल सिख के आने तो फिर जेड़े नहीं जा सके, पहली गल तो जेड़े नहीं जा सके उन्होंने कहना हूँ उन्होंने मुछा देना था भी तू इन्होंने भेजा ना उ सिंगापुर तो हूँ मैं क्या पढ़ावा, यही पढ़ाऊगा जो तू सिक्ख्या, मैनू तो जो समझाता की समझ नहीं आती। सरकार नूं की करतीया रखिया भी इन्हों भेजन का, यह भी बड़ी देखो बड़ी वड्डी समस्या ना खड़ी हो जाए सरकार दे अगे। स्कूलों दे टीचर घट ने, हुण ऐसिया भी खबर आदि भी कई स्कूलों के विच इक्को मास्टर नूं सारे सबजैक्ट पढ़ाने पैंदे आ। हुण बैंस साहब नूं इधर भी ध्यान करना चाहिए। हुण मैं पहलों जिवें आख्या भी छोटे छोटे कंट्रीज जिहड़े हैं उन्हां तों सिख लैण दी लोड़ आ, सीखना चाहिए उन्हां कोलों भी की है। हुण कहिंदे ते हैगे असीं सिखांगे, हुण इत्थे भी एक नीति बनी सीगी बई जड़ा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उन्होंने को भी सुझाव मंगे सी भी की बदलाव होना चाहिए। हुण यह भी है भी इत्थे वेख्या होना तुसीं भी स्कूलों के कई स्कूलों के आरोप लगते भी बच्चों को कहते भी किताबां भी इत्थों खरीदो, यूनीफॉर्म भी इत्थों खरीदो, भी करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं। कहने नूं ते हर साल इन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी होंदी प्राइवेट स्कूलों वालियां ने, पर घाटा ही विखाउंदे आ, फायदा नहीं विखाउंदे। मतलब ये सारिया चीज़ा जो बहुत है, देखो बच्चे के उत्ते पढ़ाई का बोझ कितना है। अज मेरा बेटा +2 च है, वो पहले बेचारा सवेरे ट्यूशन से जाता है, फिर दोपहरी जाता, फिर शामी ट्यूशन से जाता है, स्कूल का भी उन्हें काम करना, वो शामी 8 बजे तक तो पहुंच जाता हो। मतलब ये सारिया जो चीज़ा हैं, जबकि फॉरन च भी देखो बच्चे स्कूलों पढ़ते हैं, वो कहते भी बच्चे की ग्रोथ जी है बड़ी इंपॉर्टेंट है साढ़े लिए। भी देखो जो इन्हों वाकई कोई चंगा काम करना ना, ये करन कि बच्चे नूं किताबां दे बोझ तो किदां निजात दवानी है, ताकि बच्चा अगे जाके जिहड़ा वह कुछ चंगा एक्सेल कर सके किसी भी फील्ड दे विच। हुण तुसीं देखो बच्चे दे उत्ते पहले माँ प्यो की भी अजकल देखो बड़ी एक्सपैक्टेशन वधिया है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हुण कुछ दिन पहला खबर आईयां सीगियां कोटे तो भी बच्चों ने कुछ ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने कहा भी सॉरी मैं तुहाडीआं उम्मीदां ते खरा नहीं उतर पाया, भी परफॉर्म नहीं कर पाते कई बार बच्चे। मतलब ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां हैं ये बहुत ये जड़ा ना मंथन करने की लड़ है। बैंस साहब देखो आम आदमी पार्टी की सरकार चंगा काम कर रही है, पर ये कमेटी की रिपोर्ट लैनी बड़ी इंपॉर्टेंट है भी की गल है भी सरकारी स्कूलों के पढ़ाने की बजाय लोग प्राइवेट स्कूलों बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं जी, भी की उत्थे पढ़ाई चंगी। देखो सरकारी स्कूलों के तनख्वाह ज़्यादा है प्राइवेट स्कूलों नालों, उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, प्ले ग्राउंड ज़्यादा है, कि सरकार नालों कोई प्राइवेट बंदे ताकतवर हो गए, ये भी बड़ा बड़ा सवाल है। हुण ये बीमारी जिहड़ी बीमारी की जड़ तक जाना पऊगा। ठीक है भी तुसीं सिंगापुर भेजो, उन्होंने कनेडा भेजो, उन्होंने स्विट्जरलैंड भेजो टीचर्स नूं, पर उहदा जमीन के उपर लोकां नूं की फायदा हैगा वो जरूर नज़र आना चाहिए। भी किते ये ना होवे पहले भी जिवें बाहर जांदे सीगे दौरिया पर उदा ही दौरा करके आवे। फिर जे ये भी गल जे आम आदमी पार्टी ने स्कूल एजुकेशन हैल्थ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक कर दी तो इन्हों फिर फ्री बत्ती देने की लड़ नहीं पैनी लोगों को, पंजाबियां इन्होंने अगली बार उदा ही वोट पा देने। पर इतने लोग ये कहते बड़िया बड़िया गालां करते ना, लोग कहते इन्होंने को चीन की डोर जी गट्टू आ, उहदे ते पाबंदी लगी नहीं। मैं भी पता पुलिस देखो पुलिस ने भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम करना ना, 188 का मामला दर्ज कर लेंदी कुछ देर बाद। मतलब इन्होंने बंदों के उत्ते क्रिमिनल मतलब हत्या के इरादे का मामला दर्ज होना चाहिए तो 7-7 साल इन्होंने कैद होनी चाहिए है। लॉ च जो जरूर करना है भी तुसीं करो भी नशा खत्म करो, अपराध खत्म करो, जिन्नी मर्जी सख्ती करो, सख्ती करनी पवे उन्नी सख्ती करो, पर लोगों बेसिकली हुण लोग तंग आ गए ने, नहीं तो फिर लोग विदेशों का राह तो खुला ही हुआ है, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है, पैसा भी जा रहा है। तो जे ये ना होया तो किते अपने पड़ोसी मुल्कों का तुसीं हाल वेख लिया, पहले श्रीलंका का वेख्या, फिर पाकिस्तान का भी हाल तुसीं वेख्या भी की होया उत्थे। तो इस करके सरकार नूं जिहड़ा काम जिहड़ा करना चाहिए, सिर्फ मुफ्त दियां रेवड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए, चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट है तो चाहे वो प्रदेश सरकार है। तो जरूर देखो इहदा सट्टा के निकलूगा, ये तो आने वाला समय ही दसूगा। पंजाब के भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा जी अज अमृतसर आउंदे ने, तो उन्होंने जिहड़ी आम आदमी पार्टी है पंजाब दे विच सरकार है उन्होंने काफ़ी लंबे हथी लिया, काफ़ी निशाने भी साधे। हाँ, मैं सुन रहा सी उन्होंने आए हैं, अज डॉक्टर हरविंदर संधु है जिला अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, साडे वल्लों उन्होंने वधाई भी है जी। तो वो मैं पहले भी जिवें गल की, वो कहंदे भी लोगों की उम्मीदों नूं चकनाचूर कर दिता आम आदमी पार्टी ने। अश्विनी शर्मा साहब ने कहा, उन्होंने कहा भी लोगों ने आम आदमी पार्टी नूं नहीं जिताया, उन्होंने रिवायती पार्टियां नूं हराता, बदलाव के तौर पर आम आदमी पार्टी नूं लोगों ने चुनिया सी। लुभाने वादे इन्होंने कीते सी लोगों के नाल, पर वादे पूरे नहीं कीते इन्होंने। पंजाब के हितां लई लोगों ने भी कहंदे इन्हां नूं वोट पाया सी, पर लोगों नूं लग गया समझ भी ये जिहड़ा हैगा ये भी जुमलियां दी सरकार है। पर असीं पहले भी कहने आ भी यार रिवायती पार्टियां दे विच तुसीं भी ते शामिल ही सीगे, भावें तुहाड़ियां 23 सीटां सीगियां, 23 सीटां ते लड़दे सी अकाली दल दे नाल तुसीं तो मिल के, ते ओह लड़दे ते तुसीं सी ना, सरकार 'च तुहाडे मंत्री भी बनाए जांदे सीगे, तुसीं उदों क्यों ना गल कीती भी पंजाब। पर हुण अज देखो ना, राजनीति दा काम लीडरां दा काम है गल्लां करनियां ते गल्लां दे कड़ा बनाने। उन्हां ने कहना भी असीं जदों अकाली दल दे नाल गठबंधन कीता, अज उन्हां नूं जो सवाल पुछिया जांदा है भी तुहाडा भी गठबंधन सी, कहंदे कि पंजाब दे हितां लई घाटे दा सौदा कीता सी, साडा इह समाजिक गठबंधन सी, राजनीतिक गठबंधन नहीं सीगा। पहलों कहते ही जनसंघ वे 65 सीटां लड़ते ही, तां भी 23 सीटां लड़ना जो स्वीकार किया। हिंदू सिख एकता जरूरी ही साडे लई, इस करके कहते ही कहते क्योंकि पंजाब च काला दौर सीगा, अमन शांति जिहड़ी उहदे करके। पर हुण देखो गल फिर वही है भी जदों लीडर विपक्ष हुंदे ना, इन्हां कोल सारियां चीज़ां दा समाधान हुंदा। जदों आप तुसीं भी MLA रहे, हुण भी MLA ने उत्थों पठानकोट तो भी तुहाडी सरकार रही है, तुसीं पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, तुहाडे मंत्री भी बनते रहे हैं, तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट ट्रस्टां चेयरमैन भी तुहाडे बनते रहे हैं। हुण उन्हां दा कहना भी पंजाब दे विच कानून दा नहीं गैंगस्टरां दा राज है, सरकार जिहड़ी है मूक दर्शक बनी हुई है। लोगों ने भगवंत मान दे मूंह नूं वोटां पाईयां सीगीयां मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हां नूं लांता गया ही, पर हुण कहंदा भी मान साहब ते सिर्फ एक चेहरा है, दिल्ली तो बैठे लोग सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने पंजाब की समस्याओं का पता ही नहीं। एक गल भी बड़ी फोटो भी वायरल हो रही है, बिक्रम जीठिया ने भी अपने उन्होंने ट्विटर पर हैंडल किया सीगा भी एक दिल्ली का कोई अधिकारी है पंजाब के अधिकारियों नाल मीटिंग 'च बैठा है। मतलब चलो असी नहीं कहते, टीका टिप्पणी नहीं करते भी, इसी साडा ते इक्को ही गल हमेशा रही है भी पंजाब के लोगों नूं शांति किवें मिलेगी। जिहड़ियां समस्यावां हो गई हैं, चाहे वो गैंगस्टरवाद है, चाहे वो नशा है, घर घर नशा है, चाहे वो होर जिहड़ियां पंजाब दीयां समस्यावां बेरोजगारी है, महंगाई है, इन्हां तो निजात किवें मिलेगी, इधर सारियां नूं मिल के इधर सोचना चाहिए। कांग्रेस नूं छड्ड भाजपा च गए सुनील जाखड़, उन्हां दे किसी नवजोत सिद्धू नूं लैके जो कि जेल विचों रिहा होण दे करीब ही ने, ते उन्हां नूं लैके एक वड्डा बयान जारी कीता उन्होंने। हाँ, सुनील जाखड़ मैं सुन रहा सी उन्हां दी गल, देखो ना नवजोत सिंह सिद्धू हजे जेल च ने, कहंदा बंदा जेल च है ते धमक ओहदी बाहर पई जांदी है भी नवजोत सिंह सिद्धू को काला डर आ भी, भावें ओह कांग्रेस जाण भावें ओह किसी होर पार्टी च जाण, गल ते फिर ओही आ जांदी है भी नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाबियां लई की करनगे। नवजोत सिंह सिद्धू नूं थोड़ा मान नहीं दिता अंबरसरियां ने, 3 ਵਾਰ उन्हां नूं MP जिताया, एक वारी उन्हां दी धर्मपत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू नूं MLA जिताया, फिर नवजोत सिंह सिद्धू नूं MLA जिताया, इन्ना मान दिता। तो अंबरसर लई की कीता, हालांकि वो कहंदे सीगे भी मैं उदों उन्होंने जदों सीगे MP सीगे तो बादलों के उपर बड़े आरोप लाए सी, एक बारी मरण वर्त ते भी बह गए सीगे इत्थे ते बड़ा पंगा पिया सीगा, मेरे प्रोजेक्ट्स कतल करते। पर इन्हां नूं भी पुछना चाहांगा भी तुसीं 2017 च जदों कैबिनेट मिनिस्टर बने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार च, तुसीं की कीता? तुहाडी ते इक्को महत्वाकांक्षा की भी इहनूं ठिब्बी किवें लाउणी है कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ते मैं आप किवें CM बनना है। ओह यार साडे वल्लों तुसीं CM छड्ड के सुपर CM बन जाओ, लोकां दा ते करो। पर इह है कि नवजोत सिंह सिद्धू हुण किधर जाणगे की करनगे, कांग्रेस वाले भी डरे हैं, बहुत सारे लोग अज भी उन्होंने मिलन गए हैं। मैं सुन रहा सी कुछ जिहड़े साबका चीफ मिनिस्टर रहे ने रजिंद्र कौर पठल, उन्होंने बेटा भी शायद मिलन गया, राहुल उन्होंने नाम है, होर भी 1-2 लीडर मिलन गए, पहले मनप्रीत बादल भी उन्होंने मिले ने, प्रियंका गांधी अंदर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू नूं चिट्ठी लिख देंदी है भी सिद्धू किते ना किते ते कांग्रेस लई जिहड़ा है वो एसेट्स बन सकदा, ये मानना। क्योंकि सिद्धू जो भी है अंबरसर ये जानते ना भी नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे भज जाते मुड़ के दिल्ली अपने लाफ्टर चैलेंज शो थे। हुण तो खैर उन्होंने को राजनीति तो वारा कोई तो अलावा कोई काम नहीं है। हुण उम्मीद है कि नवजोत सिंह सिद्धू आके शायद भी जिहड़ियां गलतियां इन्होंने पहले कीतियां भी लोगों को मिलना ही नहीं, लोगों तो दूर रहना, भी लोगों ने वोट तुहानू पाया तुसीं ते उन्होंने मिलदे ही नहीं। तो लोग तो चाहते भी साडा जो किसी समस्या आज उन्होंने परेशानी है भुख अज लगी है तो रोटी महीने बाद थोड़ी खाऊगा। हुण जाखड़ साहब ने कहा भी नवजोत सिंह सिद्धू लई जे कांग्रेस दरवाजे बंद करती है तो बड़ियां पार्टियां दे दरवाजे नवजोत सिंह सिद्धू लई खुले ने। फिर पत्रकार ने पुछ लिया अपने भाईचारे ने भी तुसीं की बीजेपी च नवजोत सिंह सिद्धू नूं लओगे? ते जाखड़ साहब ने कहा भी मैनूं ते आप अजे 5 महीने होए आया ये फैसला तो आला कमान ने लैणा है भी जे नवजोत सिंह सिद्धू आउणगे कि नहीं आउणगे। पर वेखो ना नवजोत सिंह सिद्धू जे मुख मंतरी बनना चाहुंदे आ तो हम बीजेपी तक जाएंगे नहीं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चल गए पहले ही, वो पहले ही उथे बीजेपी के दावेदार ने भी जे सरकार आउंदी मेजोरिटी आउंदी ते सीएम मैं बनूंगा। इस करके हुण फिर दूजी गल भी आ भी नवजोत सिंह सिद्धू जेल जाने तो पहले सब तो पहले किनूं मिले सीगे? भगवंत मान मुख्य मंत्री मिले सीगे। जे नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सजा पूरी होने तो पहले रिहा हो रहे, ठीक है उन्होंने आचरण चंगा पर सरकार ने ही उन्होंने सिफारिश करनी ना, तो सरकार की दी आम आदमी पार्टी की सरकार है। हूँ कुल मिला के जी है राजनीति पखेगी पर लोगों देखो मैं नहीं लोग वड्डे होंदे ने, लोकतंत्र दे विच जनता सुप्रीम है। जनता नूं जिद्दन अपनी ताकत का पता लग गया ना, मैं हमेशा कहना लीडर घर नहीं वड़न देना उन्होंने भी उन्होंने लिखा भी तुसीं ते एडे एडे महल पाले हुए हुंदे की सी तुहाडे को ते जनता उस तरह ही भुखी मरदी है। मतलब भुखे मरन तो मेरा यह है कि बेरोजगारी नाल बच्चों अपने बाहर किहदा जी करता, मेरा जी करता मैं अपने न्याणे नूं बाहर भेजा, मैं भी कहना भी इत्थे मेरे बुढ़ापे च मेरे नाल लैण, पर हालात इदां दे हो गए बाहर भेजना पैंदा। हुण चलो 26 जनवरी को नवजोत सिंह सिद्धू बाहर आ रहे हैं, उस तो बाद देखो की हुंदा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां ने हाई अलर्ट जारी कर दिता, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टेरर ग्रुप पाकिस्तानी टेरर ग्रुप जिहड़ा वो हमला कर सकता है। हाँ देखो ये देखो ना रिपोर्टां सामने आ रही हैं, खुफिया एजेंसियां ने एक कहा भी वड्डे अतवादी हमले की योजना जिहड़ी है वो बनाई जा रही है पंजाब दे विच। वीरवार नूं इस संबंधी अलर्ट भी जारी कर दिता गया। एजेंसियां मुताबक भी साजिश आम वांग सरदपार तो पाकिस्तान तो रची जा रही है तो यह हमला नवे साल के मौके पर हो सकता है। हुण इस तो बाद सारियां जिहड़ियां अपनियां एजेंसियां सतर्क हो गई, उन्हों का कहना पाकिस्तान के अतवादी जिहड़े आ उन्हों दे नाल मिल के कुछ पंजाब दे विच जिहड़े लोग मौजूद ने जिहड़े उत्थों जां हथियार मंगा रहे हैं जां उत्थों ड्रोन दी राहीं नशा मंगा रहे हैं, वह भी बैठे ने, तो नाल दी नाल पाकिस्तान का जिहड़ा अतवादियों का स्लीपर सैल जिहड़ा वो एक्टिव हो गया जिहड़ा थाणियां नूं ते कुछ थावां नूं निशाना बना सकता है जी। हुण इस लिए मोहाली दे तुहानूं याद ही भी एक उन्होंने एक एजेंसियां ने कहा भी एक पहले भी आरपीजी का हमला हो चुका है, 2 थाणियां ते होया, पहले मोहाली होया फिर सरहाली होया, भी हुण होर भी किसी स्टेशन पुलिस स्टेशन ते हमला हो सकता है ताकि भी इन्हां नूं दस्सिया जाए भी सानूं डर नहीं है कोई तुहाडा। फिर गल वही है भी जो गैंगस्टर में पता मैनू जेल के सारी सुविधा मिलती है जो कोई शरारती अंसर है जो अतवादी है या कोई नशे का स्मगलर है तो फिर तो उन्होंने हौसले आपे बदने। इस करके सख्त जे कानून बनाने हैं सख्त कानून बनाओ। हुण पहले भी कहा सी जिहड़े जे कानून बनाने वाले अपराधी होणगे तो फिर वो की करनगे, इस करके मरनगे तो मुश्किल च तो लोग आउणगे ना। हुण पाकिस्तान दे विच उन्हां दा इह कहना भी खुफी एजेंसियां दा भी 4-5 जिहड़े आरपीजी जिहड़े वो इंडिया च भेज दिते गए ने। 9 मई 2022 को मोहाली दे विच जिस तरह इंटैलीजेंस हैडकुआर्टर ते आरपीजी नाल हमला हुंदा है, फिर सरहाली ते हमला हुंदा है। इस करके लखबीर सिंह लंडा है उहदे भी कुछ करीबियां नूं फड़िया गया सी, 3 बंदियां नूं फड़िया गया सी जिन्हां को आरपीजी भी बरामद कीते गए सी, हालांकि वो आरपीजी जिहड़ा उहनूं डिस्ट्रॉय कर दिता गया। पर आने वाला जिहड़ा समय देखो ये तो हमेशा जिहड़ियां चुनौतियां रही हैं क्योंकि असी बॉर्डर स्टेट हाँ, बहुत सारे जिहड़े ब्लैक शीप्स ने कई जिहड़े काम कर रहे हैं सरकारी विभागों के भी, वो भी जिहड़े ने पैसे वास्ते कई कुछ करते हैं। इस करके हुण अलर्ट है, उम्मीद है पंजाब पुलिस पहले चंगा काम कर रही है, बहुत सारियां जिहड़े एजेंसियां हैं जिहड़े साढ़े वो भी चंगा काम कर रही हैं तो उम्मीद है भी जिन्नियां साजिशां रची जाणगियां उहदे ते उहनूं कामयाब नहीं होण दिता जाएगा। किसानां वल्लों 5 तरीक नूं पंजाब दे टोल प्लाज़ा नूं बंद करन दी ऐलान जारी कर दिता गया। क्या जा रहा है कि असं सारे जो टोल प्लाजे बंद रखा। देखो पहले 18 टोल प्लाजा बंद ने, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जी उन्होंने 18 टोल प्लाजे बंद किए हुए। हूँ उगराह ग्रुप जो किसान जथेबंदी है उन्होंने भी कहा भी असी पंजाब के सारे टोल प्लाजा 5 जनवरी को बंद कर देंगे, सवेरे 12 तो लैके 3 बजे तक ये सारे जोड़े है टोल प्लाजा बंद रहने। और देखो किसान लंबे समय तो अपनी मंगां नूं लैके जिहड़े धरने ते बैठे हुए हैं, जिहड़े 15 जनवरी तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी वो बैठे है धरने ते। हुण जिहड़े भारतीय किसान यूनियन के जिहड़े उगराहां दे गए सूबा सकत्तर शिंगारा सिंह, उन्होंने आख्या भी सरकारां कारपोरेट घराणियां दे हक्कां 'च हो गईयां हैं। उन्होंने जीरा फैक्ट्री की भी गल की है। हुण इन्हां दा कहना भी जिहड़े साड़ियाँ मंगा है वो है फसलों के वाजब पा दिते जान किसान नूं, क्योंकि मरदा तो किसान है। फसल उहदे च खेतों के धुप्पे होवे भावें सर्दी होवे ते मुनाफा कमानी है कॉरपोरेट घराने। हुण ये भी कहा गया जिहड़ा फसलों का जिहड़ा नुकसान हुंदा उहदा मुआवजा दिता जावे ते होर भी कई उन्हां दियां मंगां है। ये सारियां मंगां नूं लैके किसान जथेबंदियां धरने दे रही हैं ते आन। देखो बेसिकली किसी भी सूबे दे विच जे धरने लंबे चलते ना वो सूबे के हितों दे विच नहीं होंदे। बाहरों इन्वेस्टर डर जाता जिहड़ा इत्थे इन्वेस्टमेंट असीं पहले भी कहा भी जिन्हें काम करना है जिन्हें पैसा लाना है उन्हें तो मुनाफे लिए पैसा लाना है। तो जो उन्होंने होगा भी इत्थे माहौल ही ठीक नहीं है, रोज़ धरने हैं प्रदर्शन है तो फिर वो बंदा डर जाता है। पंजाब सरकार वालों जिहड़ी पंजाब सरकार वालों विजिलैंस नूं हदायत की गई है कि जिहड़े ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। हाँ विजिलेंस देखो ना, विजिलेंस ब्यूरो बहुत सारे ऐसे मंत्रियों की जांच कर रहा है जिन्हों के आरोप है भी उन्होंने आमदन तो वध जी जायदाद बनाई है। हुण भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या जोड़े ADGP ने ते अपने डायरैक्टर ने विजिलेंस के वरिंदर कुमार शर्मा, उन्होंने आख्या भी जिन्हें भी मामले चल रहे हैं ना आमदन तो वध जायदाद बनाने के जिन्होंने भी मंत्रियों के उत्ते उन्होंने जी इन्वेस्टिगेशन उस तेजी लाई जाए। हुण देखो ना बहुत सारे मंत्री हैं, हुण शायद PP किटां दा घोटाले की भी गल हुई सी, किसी का नाम है या नहीं है उहदी भी कल पटियाले तो टीम आई सी अमृतसर दे विच उहदी भी जांच हुई है। हुण मान साहब मुख्यमंत्री ने उन्हां दा इह कहना कि देखो क्योंकि हुण लोकां नूं रिजल्ट जिहड़ी है वो देण दा समा आ गया, नहीं तो ये आरोप लगणगे भी इन्हां ने जो भी सब कुछ कीता है तो ये सिर्फ एक कहते पोलीटिकल स्टंट सीगा, इहदा फायदा लैण वास्ते कीता है। हुण जे विजिलेंस ब्यूरो काफ़ी तेजी नाल काम कर रहा है, पर यह भी विजिलेंस के अफसर वालों कहा गया भी जे साडे कोल स्टाफ की घाट ना होंदी तो हुण तक ये जिहड़ी कार्रवाई पूरी हो चुकी होनी सी। तो सियासी हलकियां दे विच भी हलचल मच गई है। देखो बहुत सारे जिहड़े मंत्री हैं साबका उन्हां दे उपर चल रहे हैं केस चल रहे भी उन्होंने आमदन तो वध जायदाद बनाई है। हुण कल जनमेजा सिंह शेखों उन्होंने भी बुलाया गया है विजिलेंस वालों जिहड़े कि सिंचाई घोटाले जिन्हों का नाम सीगा। सर्वेश कौशल जिहड़े के चीफ सैकटरी रह चुके हैं उन्होंने वालों विजिलेंस को आप चिट्ठी लिखी गई है भी मैं दसो किदन शामिल होना है। मतलब कुल मिला के किते ना किते प्रैशर भी हैगा। आन उम्मीद है कि जिहड़ा पहले 2-3 महीने जिहड़े नवे साल दे वो बड़े राजनीतिक ते विजिलेंस वास्ते ना बड़े ही जिहड़े चुनौतियां भरे भी होणगे ते कोई ना कोई रिजल्ट जिहड़ा वो सामने जरूर आएगा। क्योंकि मान साहब कई बार अपने उतों भाषणों तो कह चुके हैं भी जिन्हों ने पैसा पंजाब का लुटिया उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा, पूरा हिसाब लिया जाएगा उन्होंने को, तो यह पैसा सरकारी खजानिया के जमा करवाया जाएगा। हुण आने वाला समा दसेगा भी विजिलेंस इनू जिन्नियां भी जांचां चल रही हैं वो कितनी देर च पूरियां करदियां। पंजाब विजिलेंस बहुत वधिया काम कर रही है, पिछले दिन भी एक रिश्वत लैंदे होए अधिकारियों नूं भी फड़ रही है तो बहुत वधिया काम कर रही है। हुण एक नवा मामला सामने आया जिहदे विच एक सब इंस्पैक्टर रिश्वत लैंदिया फड़िया गया। हाँ देखो हर रोज़ देखो मैनूं नहीं समझ आती भी इन्हों पैसे लैंदे डर नहीं लगता भी विजिलेंस वालों हर रोज़ किसी ना किसी को फड़िया जा रहा है भी यार तुसीं थोड़े दिन हट ही जाओ, पर एडे ढीठ है जी जिवें ये पता भी ये देखो ना हमेशा ही कार्रवाई होंदी है तो कार्रवाई तो बाद जिहड़ी ना लीपापोती दी काम शुरू हो जाती है। हुण विजिलेंस ब्यूरो ने अज फड़िया बठिंडे दे विच थाणा मोड़ दे विच तैनात सीगा सब इंस्पैक्टर बलजीत सिंह जी 50,000 रुपया रिश्वत लैण दे आरोप च उन्होंने गिरफ्तार किया है। शिकायत की सी राकेश कुमार वासी है प्रताप नगर का बठिंडे का रहने वाला, उसने शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि बलजीत वालों एक एक किसी मामले की शिकायत की जा रही सी, मतलब बलजीत नामजद कर रहा सी, उन्होंने कहता सी भी तू मैनू पैसे ना दिते मैं तेनों फसा दूंगा, तो 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई सी। हुण ਉਹਦਾ ਇਹ कहना जिन्हें शिकायत की है कहना भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 रुपया भी लै लिया गया तो होर पैसे भी मंग कर रहा सी। हालांकि ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ जिन्हें ये शिकायत की उन्हें फिर वही सारी रिकॉर्ड गल्लां कर लीआं भी उन्होंने तंग किया जा रहा। हुण ये भी है वह भी उन्होंने धमकी दे रहा सी भी भावें मेरा तबादला होगा, तो तबादला भी हो गया ਇਹਦਾ बलजीत सिंह दा किते होर थाणे 'च हो गया, पर जाण तो पहलों मैं तेरे भी जिहड़ा नामजद कर दूंगा तेनों किसी ना किसी केस दे विच। मतलब एक पहले भी बहुत सारे केस सामने आए भी किसी ना किसी मामले दे विच किसी निर्दोष नूं फसाता जाता है, बाद चों उहनूं ये साबित करन लग्या कई साल लग जाते भी मैं नहीं गए। हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे केसां नूं लैके सरकारां नूं फटकारां लाइयां सीगियां। 400 तो वध जिहड़े आ पिछले 10 सालों के 400 तो वध जिहड़े आ वो नजायज़ इस तरह गलत मामले दर्ज कर लए गए सीगे। ऐसे अधिकारियों को डिसमिस करना चाहिए है, उन्होंने जायदादा सील करनिया चाहिए ताकि एग्जाम्पल सैट। हुण डर जिहदी सी पहले गल कीती है भी जिन्ना चिर डर नहीं रहूगा ना उन्ना चिर कुछ नहीं होना। इस करके यह है कि सरकार नूं हुण जागना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इस साल दीपक भंडारी जिन्होंने असी आज के मुद्दों पर गलबात की थी, इस तरह का प्रोग्राम लैके एक बार फिर तो सामने हाजिर होवांगे। तद तक ले दिओ इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्कार।